दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि K7 एंटीवायरस किस तरीके से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे हम अपना कंप्यूटर स्कैन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर के इंटरनेट ब्राउज़र पर जाना है और इंटरनेट के ब्राउज़र पर जाकर हमें टाइप करना है K7 एंटीवायरस। जैसे ही हम K7 एंटीवायरस टाइप करेंगे तो हमारे सबसे पहली लिंक ओपन होगी वेबसाइट k7computing.com। हमें सिंपल से वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करते हैं, यह हमें K7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचा देता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमें K7 के सारे एंटीवायरस शो कर रहे हैं जो अलग अलग नेम से, K7 प्रीमियम, K7 टोटल सिक्योरिटी। तो हमें अपने अकॉर्डिंग अनुसार जिस एंटीवायरस की की हमारे पास है, हम वो एंटीवायरस पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और अपना नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करके डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। K7 एंटीवायरस ये हमारी इंफॉर्मेशन इसलिए लेता है, कभी हम एंटीवायरस की अगर भूल जाते हैं तो हमें रिकवर करने के काम आता है। एक सेटअप डाउनलोड हुआ है, अब हमें उस सेटअप पर डबल क्लिक कर ओपन करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा सेटअप थोड़ा समय लेगा डाउनलोड होने में। ये लगभग 250 MB की फाइल होती है। हमारा एंटीवायरस का सेटअप डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे ओपन करते हैं। और हम इसे इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। जैसा कि दोस्तों मेरे पास K7 टोटल सिक्योरिटी की थी और मैं टोटल सिक्योरिटी डाउनलोड किया। अगर आपके पास प्रीमियम की है तो आप प्रीमियम डाउनलोड करेंगे। जैसे कि हमारा एंटीवायरस इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें इसे एक्टिवेट करना है। दोस्तों एंटीवायरस को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास इसकी प्रोडक्ट की होनी चाहिए। जैसे हम एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं, हमें आई हैव सीरियल नंबर पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ हमें एंटीवायरस से रिलेटेड हमें सारी अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जो हमें कभी एंटीवायरस एक्सपायर हो जाता है और हमारे एंटीवायरस की प्रोडक्ट की हमसे कहीं मिसमैच हो जाती है, खो जाती है, गुम हो जाती है, तो हमें ये हमारी इंफॉर्मेशन एंड हमारी की रिकवर करने में हेल्प करती है। जैसे ही हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं, हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ये हमें K7 एंटीवायरस हमारा किस डेट से, किस मेल आईडी से रजिस्टर्ड हुआ है, ये इंफॉर्मेशन हमें शो करता है। फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब K7 एंटीवायरस की तरफ से हमें मेल पर एक की सेंड की जाती है, जो मेल आईडी हमने एक्टिवेशन के टाइम फिल की थी। हमें सिंपल सा अपने ईमेल पर जाना और इस की को कॉपी करके पेस्ट कर देना। हमारा एंटीवायरस एक्टिवेट हो चुका है।